अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में कुवैत, सऊदी अरब और साथ ही साथ इंडिया से जो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आपको मुसीबत हो जाएगी अगर थोड़ी सी गलती आप लोग अपॉइंटमेंट लेते समय कर देंगे तो। और कुवैत में जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंडियन लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने जो है भारत सरकार से गुहार लगाई है, लेटर लिखा हुआ है उन लोगों ने, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट देने वाला हूँ। और सऊदी अरब में बहुत सारा मांस जो है, गोश्त जो है पकड़ा गया है कुर्बानी का, और बहुत सारे स्लाटर हाउसेज जो थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, कई सारी गाड़ियाँ भी सीज हुई हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूँ। कुवैत में जो है 10 इंडियन लोगों को पकड़ा गया है, जो लोग मूल रूप से गुजरात के थे, और उनको कुवैत पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। कुवैत पुलिस ने जब पकड़ा तो उन लोगों ने लेटर लिखा बाकायदा जो है यहाँ की मिनिस्ट्री को, और वहाँ के जो उनके लोकल जो सांसद हैं उनको भी लेटर लिखा, उनसे भी गुहार लगाई कि हमको जो है यहाँ से निकलवाइए। दरअसल वो लोग विजिट वीज़ा पे गए हुए थे। कुवैत में जो है लंबी छुट्टी हुई तो उनकी फैमिली मेंबर्स जो है कुवैत रहते थे, बकरीद की छुट्टी थी तो बकरीद की छुट्टी में ही कुवैत चले गए। और कुवैत में छानबीन हो रहा है, घर में घुस घुस के लोगों को जो है वहाँ पे पकड़ा जा रहा है। पुरानी बिल्डिंगें जो हैं खाली कराई जा रही हैं, जो पुरानी जो एक हादसा हुआ इतना ख़तरनाक जिसमें पूरा आग लगा, लोग मरे, तो इसके वजह से पुरानी बिल्डिंगों में जो है घर घर घुस के जो है लोगों को से पूछताछ हो रही है और पुरानी बिल्डिंगों को खाली कराया जा रहा है। ऐसा आप लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा। और लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो इलीगल तरीके से रहते हैं, वो लोग भी डर रहे हैं कि यार हमें भी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें उनको भी पकड़ा जा रहा है जब चेक इन हो रही है। तो अब ये लोग तो विजिट वीज़ा पे थे, वहाँ पे मिलने गए हुए थे 10 गुजराती लोग, इन लोगों को वहाँ पे पकड़ लिया गया। हो सकता है इनके ऊपर कोई वायलेशन होगा, जब भी पुलिस ने पकड़ाया तो इन लोगों ने गुहार लगाया, तो मिनिस्ट्री भी जो है एक्टिव हो रही है और वहाँ के जो सांसद है वो भी इन लोगों को वापस बुलाने के लिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी जब विजिट वीज़ा पे जाता है और इतनी जल्दी जब गया होगा तो वो इलीगल कैसे होगा, पुलिस ने उनको कैसे पकड़ लिया कि उनको जो है यहाँ की गवर्नमेंट से गुहार लगाना पड़ा। दोस्तों अगला अपडेट है इंडिया से। अगर आप लोग इंडिया में पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपॉइंटमेंट लेते समय थोड़ी सी भी गलती आप अगर आप कर देते हैं तो आपका जो है अपॉइंटमेंट वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो है एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से नया अपॉइंटमेंट लेके नया पेमेंट भर के नए डेट में आपको जाना पड़ेगा। दरअसल पहले क्या होता था कि पहले अगर अपॉइंटमेंट में थोड़ी सी भी गलती होती थी, स्पेलिंग मिसमैच हो जाता था, माँ बाप का डिटेल्स में कभी कोई गड़बड़ी हो जाती थी, तो उसको वो लोग वहाँ पे सामने ही जो है करेक्ट कर दिया करते थे, कोई इशू नहीं होता था। कभी डॉक्यूमेंट में कोई नाम वगैरह में मिसमैच हो जाता था स्पेलिंग में, वो लोग सही कर देते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा भी आपके डॉक्यूमेंट में और आपके एप्लीकेशन में जो है नाम वगैरह मिसमैच हुआ, वो दोनों में नाम अलग अलग हो गया, स्पेलिंग अलग अलग हो गया, या किसी भी तरह की थोड़ी बहुत गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी, तो वो लोग कुछ भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डेली के 100 से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन कैंसिल किए जा रहे हैं, लोगों को वापस भेजा जा रहा है और बोला जा रहा है भैया आप जाइए, ये हो गया कैंसिल, अब दोबारा आप अपॉइंटमेंट लीजिए, दोबारा पेमेंट भरिए और दोबारा आके जो है उस डेट में आप अपना सब करेक्ट करके डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो जो लोग भी इस तरह की गलती अगर उनसे थोड़ी सी भी हो जाती है तो उसको उसी समय जो है कैंसिल समझिए, नया अपॉइंटमेंट लीजिए, नहीं तो आपका भी धक्का हो जाएगा। थोड़ी सी भी गलती होने का मतलब कि आप उस डेट तक का वेट करेंगे, वहाँ जाएंगे, जाने के बाद से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये टाइम भी आपका बर्बाद होगा, आने जाने का पैसा भी बर्बाद होगा। तो उससे बेटर ये है कि आप दोबारा से जो है अपॉइंटमेंट लेने, अगर कोई भी मिसमैच या डेटा वगैरह आपसे जो है एंट्री वगैरह गलत हो जाती है एप्लीकेशन। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब की ज़रूरी खबर। सऊदी अरब में जो है 3 पाकिस्तानी लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये तीनों लोग जो है जल्दी जल्दी पैसा कमाने के फिराक में थे। इन लोगों को ताइफ रीजन से ताइफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो है लगभग 1 किलो से ज़्यादा शाबू मिला है इनकी कार में, और ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अब ये तीनों लोग जो है लाइफ टाइम अपना हो सकता है जेल में बिताएंगे। और सऊदी अरब के रियाद रीजन से 2 सूडानी नागरिकों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग वहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, उनको जो है किसी भी तरह से पहला पुसरा के फिर उनको उनके साथ लूटपाट करते हैं, उनके साथ रॉबरी करते हैं, उसके बाद से उनको छोड़ दिया करते हैं। ऐसा ये लोग जो है कांड कर रहे थे रियाद में, रियाद पुलिस ने लोग अरेस्ट किया। तो आप लोग भी अगर रियाद में रहते हैं तो इन लोगों से ज़रा सावधान रहें कि जो लोग आपको किसी भी तरह से बहलाए फुसलाएँ, जो आपको समझ में ना आए और आपको ऐसा रहे कि भाई ये मुझे बहला फुसला रहा है, उसको इंटरनेट ना करें, उसके किसी चीज़ का जवाब ना दें, नहीं तो हो सकता है बाद में आपके साथ फ्रॉड हो जाए। हायल से इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने जो है वायलेटर लोगों को पकड़ा है, जो लोग बकरी और ऊंट वगैरह चराते हैं। तो ये लोग किसी भी रॉयल रिजर्व में जो है चरा रहे थे, तो वहाँ से पकड़ा गया। किसी भी रॉयल रिजर्व में बकरी या ऊंट वगैरह चराना जो है मना है। कोई भी प्रोहिबिटेड एरिया जहाँ पे मना ही रहता है कि भाई इस एरिया में मना है, आप अपनी ऊंट बकरी लेके ना आए। ओपन एरिया रहता है, लोगों को लगता है भाई ओपन एरिया, हम तो यहाँ चरा रहे हैं, यहाँ पे क्या किसका रिजर्व हो सकता है। खासकर जो लोग बकरी और भेड़ वगैरह चराने, ऊँट वगैरह चराने वहाँ पे जाते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये भी समझ नहीं आता है, लेकिन साइन वगैरह भी वहाँ लगा रहता है,
या अपने कफिल से किसी चीज़ से जो लोग पुराने हैं उनसे सोच समझ के जो है इस वहाँ पे बकरी वगैरह चढ़ाएं, नहीं तो इसका जो खामियाजा होता है, जो हरजाना भरना होता है, वो आप ही को भरना होता है, कफिल नहीं देते। सऊदी अरब के मक्का रीजन से ट्रांसपोर्ट करके लगभग 1245 बकरियों के जो मांस थे वो ले जाके, मैंने शलाटर किया हुआ, ये सब जो है कुर्बानी किए हुए गोश्त हैं, इसको लोग लेके जा रहे थे कोई वैन से, कोई कार से, कोई ट्रक वगैरह में, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 527 स्लाटर हाउसेस को बंद किया गया, सीज किया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि लोग सही तरीके से नहीं लेके जा रहे थे, किसी भी तरीके से गलत तरीके से लेके जा रहे थे, हो सकता है मांस थोड़ा सड़ा गला हो जाए इस टाइप के, तो ये हाइजीन को वहाँ पर देखा जाता है, तो इसलिए इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बात करते हैं फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में। वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है, जो सिचुएशन है एक फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में, तो इसराइल के अंदर ही अंदर कलह चल रहा है, उसके अंदर ही एक फूट हो गई है, जो उसके सेना के कमांडर हैं और जो नेतन्याहू, इन दोनों के बीच में जो है तनातनी चल रहा है कुछ ये मामले को लेकर के, जो युद्ध इतना लंबा जा रहा है। और साथ ही साथ अभी कुवैत ने भी जो है अपने नागरिकों को कहा है लेबनान खाली करने के लिए, क्योंकि इसराइल और जो वहाँ पे लेबनान में हिजबुल्ला वगैरह है या अंसार अल्लाह, उस ग्रुप में और तनातनी हो गई है, क्योंकि वहाँ से इन लोगों ने हमला कर दिया था, जो इसने पहले हमला किया था इसराइल ने, कमांडर को मारा था, फिर वहाँ से जो है हमला इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर उन लोगों ने किया था। तो ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात में जो है और भी देश आगे आ रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि फिलिस्तीन एक देश है। सऊदी अरब जो है ये पूरा जो है कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम दुनिया के देश जो है वो फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट माने, और उसमें उसको एक और कामयाबी मिली है, अरमानिया जो है उसने भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, एज ए देश, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जो पूरी तरह से जो है इसराइल के साथ में रहते थे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ से स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे और भी कई सारे देश जो है खुल के उन लोगों ने ये माना और कहा कि फ़िलिस्तीन जो है एक अलग स्टेट है, अलग राज्य है। सऊदी अरब इसका स्वागत कर रहा है, तो अब यूरोप में के देश भी जो है वो खुल के फ़िलिस्तीन के साथ में आ रहे हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।